नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने चेहरे को आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार के बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किंतु इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने परिणाम नहीं आते तो हम काफी निराश हो जाते हैं। आई एम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के चेहरे को गोरा बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप चमकदार और खूबसूरत त्वचा पा सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे खाली कटोरी, और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है दोस्तों, वो है आलू का रस। दोस्तों, आपको एक कच्चा आलू लेना है और उस आलू को आपको छील लेना है। छीलने के बाद में आपको इसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करके आपको इसे छलनी की मदद से छानकर इसका रस निकाल के तैयार कर लेना है। इसका रस निकल के दोस्तों तैयार हो जाएगा। फिर आपको यहां पर एक खाली कटोरी में 2 चम्मच आलू का रस लेना है। दोस्तों, आलू का रस हमारे चेहरे के दाग धब्बे और झाइयों को मिटाता है। कच्चे आलू का रस त्वचा के खुले पोर्स को बंद करता है, जिससे त्वचा में कसाव आता है। यह मुहासे, एजिंग की समस्या और कालेपन से छुटकारा दिलाता है। इसमें मौजूद स्टार्च एक प्राकृतिक ब्लीच एजेंट के रूप में काम करता है। फिर दोस्तों, आपको दूसरी चीज जो यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों बेसन। आपको इसमें 1 चम्मच बेसन का लेना है। दोस्तों, त्वचा के लिए बेसन का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। यह आपके चेहरे का रंग साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। यह त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाता है और उसे वापस लाने से रोकता है। इसके छोटे छोटे कण चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करते हैं। बेसन मुहासों को भरने से रोकता है और एंटी पिंपल क्लींजर की तरह काम करता है। यह उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां और त्वचा को लटकने से भी रोकता है। बेसन त्वचा पर स्क्रब की तरह काम करता है। यह रोम छिद्रों खोलता है और चेहरे की अंदर से सफाई करता है। अगर आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे हो गए हैं या आपका चेहरा काला पड़ गया है तो ये उसे साफ करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, दोनों चीजें लेकर अगली चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर लेना है। दोस्तों, हल्दी का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। यह हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होती है। हल्दी हमारे चेहरे के रंग को साफ करती है और हमारे चेहरे पर होने वाले छोटे छोटे दानों को दूर करती है। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको अगली चीज जो यहाँ पर लेनी है वो है दोस्तों सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट। आपको दोस्तों यहाँ पर सिंपल वाला कॉलेट का पेस्ट लेना है और बिल्कुल जरा सा आपको इसमें ऐड करना होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा आपको इसमें ऐड करना है, सिर्फ इतना सा। दोस्तों, कॉलेट का पेस्ट हमारे चेहरे के पिंपल्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के पिंपल्स को दूर करता है और ये हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे लगाने का तरीका दोस्तों बुझिए, आप इसे अपने चेहरे पर उंगलियों से लेकर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों पूरे चेहरे पर लगाकर आप इसे 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को सादा पानी से धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को हफ्ते में सिर्फ 2 बार करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे, काले निशान दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा काफी गोरा, चमकदार और ग्लोइंग दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा जैसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।